हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के बिहार बोर्ड के सामने। तो इस तरह से ये लग रहा है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के एक्टिव हैं। रिजल्ट को जब से रद्द कर दिया गया है तो इस तरह से हम लोग को लग रहा है कि बिहार बोर्ड का फैसला जल्द वापस ले लेगी और आप लोग को रिजल्ट का डेट जो है बहुत बहुत जल्द डिक्लेयर करेगी। तो ये सब तो होती रहती है और देखने वाली बात हुई कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको फ़ायदा मिल पाता है या नहीं स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। जब से बिहार बोर्ड ने ये अपना फैसला लिया कि एसटीटी का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, पुनः एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इस खबर निकल के आ रही है और सूत्रों के मुताबिक बिहार बोर्ड ये फैसला वापस ले लेगी या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज या कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बिहार एसटीईटी रिजल्ट जारी करने के लिए बोर्ड ऑफिस के सामने प्रदर्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज प्रदर्शन किया है बिहार एसटीईटी रिजल्ट को लेकर के, और साफ साफ यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति और जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को रद्द परीक्षा को वैध कर रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है, जिससे वहाँ कुछ देर के लिए जाम लग गया था। बाद में कोतवाली पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शन समाप्त कराया। आक्रोशित अभ्यर्थी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बिहार उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपाकर गौरव व जाप के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि एसटीईटी 28 फरवरी को दो पालियों में हुआ था, जिसकी आंसर की बिहार बोर्ड ने जारी किया था, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में अचानक एसटीईटी को रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं, और जिसने की बात है कि ऐसा जो स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत किए होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे और उनका एग्ज़ाम होने के बावजूद भी रद्द कर दिया जाता है, तो उनको तो बहुत ही दुख हुआ होगा। विदित हो कि एसटीईटी के रिजल्ट जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट की CWJC संख्या 6139/2020 की दायर किया था, जिस पर सुनवाई 6 जून को है। प्रदेश अध्यक्ष दीपाकर गौरव ने शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप कर एसटीईटी का रिजल्ट अविलंब जारी करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो पूरे राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। तो इस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जब 6 जून को जिससे सुनवाई होनी थी, आज ही 6 जून को होनी थी, बट ऐसा कुछ आज न्यूज निकल कर नहीं आया। जैसा न्यूज निकल के आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग का रिजल्ट अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेटर होगा, ये मैं कामना करता हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह का अपडेट लाते रहूँगा मैं आप लोगों के लिए, छोटा छोटा अपडेट। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहना, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर लेना।